दोस्तों भारत में अनेकों आयुर्वेदाचार्य हुए जिनमें महर्षि चरक का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। आज हम बात करने वाले हैं प्राणाचार्य चरक के बारे में, जिन्हें औषधि विज्ञान का पिता भी माना जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भारत एक रहस्य में। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे महान आयुर्वेदाचार्य महर्षि चरक के बारे में। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। दोस्तों, महर्षि चरक के जीवन परिचय का इतिहास लगभग मौन है। इनके परिचय के बारे में आज जो भी सूत्र मिलते हैं वो इनके शिष्यों के द्वारा लिखे गए वर्णन पर आधारित है। उन्हीं वर्णन के आधार पर विद्वानों का मत है कि महर्षि चरक का जन्म 2500 वर्ष पहले बनारस में हुआ था। इनके पिता का नाम वेद वेदांगी बताया जाता है, जो अपने समय के प्रसिद्ध वेद शास्त्री थे। ये बचपन से ही जड़ी बूटियों और वेदों के निदान में बहुत रुचि रखते थे। महर्षि चरक ने अपनी शिक्षा तक्षशिला से प्राप्त करी, जो कि उस समय भारत का बहुत बड़ा विश्वविद्यालय था। आचार्य चरक केवल आयुर्वेद के ही ज्ञाता नहीं बल्कि सभी शास्त्रों के भी ज्ञाता थे। चरक एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूम घूम कर लोगों के रोगों का उपचार किया करते थे। ऐसा माना जाता है कि उनका मूल नाम चरक नहीं था बल्कि जगह जगह भ्रमण करके आयुर्वेद का प्रचार करने के कारण ही उनका नाम चरक पड़ गया था, क्योंकि चर का अर्थ होता है चलना। इनकी प्रसिद्धि इतनी बड़ी कि उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध शासक कनिष्क ने इन्हें अपने दरबार में राज्य वैद्य का स्थान प्रदान किया। दोस्तों, त्रिपिक के चीनी अनुवाद में कनिष्क के राज वैद्य के रूप में चरक का उल्लेख मिलता है। इन्होंने प्रसिद्ध ग्रंथ चरक संहिता की रचना करी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं चरक संहिता आज भी चिकित्सा शास्त्र से जुड़े सबसे पुराना और प्रमाणिक दस्तावेज है। इस ग्रंथ की मूल रचना तो अत्रि ऋषि के प्रतिभाशाली शिष्य वैद्य अग्निवेश ने करी थी, परंतु महर्षि चरक ने इसको संशोधित करके कुछ नए अध्याय इसमें जोड़कर इसे और अधिक उपयोगी बनाया। मूल रूप से इस ग्रंथ की रचना संस्कृत में की गई थी, परंतु बाद में इसका अनुवाद हिंदी के साथ साथ अन्य भाषाओं में भी किया गया। आयुर्वेद का अध्ययन करने वाले छात्रों के लिए भी ये ग्रंथ प्रमाणिक और उपयोगी होने के कारण इसको आयुर्वेद के पाठ्यक्रम में भी शामिल कर लिया गया। संस्कृत भाषा में लिखे गए इस ग्रंथ को 8 स्थान और 120 अध्याय में बांटा गया है, जिसमें 12,000 श्लोक और 2,000 से अधिक दवाइयों का वर्णन है। ये उस समय के प्राचीन ग्रंथों में से एक वृद्ध ग्रंथ है, जो आज भी वर्तमान में मौजूद है। चलिए मित्रों, अब आपको बताते हैं चरक संहिता में जो प्रमुख 8 स्थान हैं, उनमें क्या क्या वर्णन है। पहला स्थान है सूत्र स्थान। सूत्र स्थान में हमारे आहार विहार एवं शारीरिक व मानसिक रोगों का वर्णन है। दूसरे स्थान जो कि निदान स्थान है, इसमें विभिन्न रोगों के कारणों को जानकर उनके निदान की जानकारी है। तीसरे स्थान जो कि है विमान स्थान। मित्रों, इस स्थान में आहार के संपूर्ण ज्ञान का उल्लेख है, जिसमें स्वादिष्ट रुचिकर एवं पौष्टिक भोजन का उल्लेख मिलता है। चौथा स्थान है शरीर स्थान। मित्रों, इस स्थान में मानव शरीर की रचना, गर्भ में शिशु की विकास की प्रक्रिया एवं उसकी विभिन्न अवस्थाओं का महत्व बताया गया है। पांचवा स्थान जो कि इंद्रिया स्थान कहलाता है, इसमें विभिन्न रोगों की चिकित्सा पद्धति का वर्णन है। छठा स्थान है चिकित्सा स्थान, जिसमें कुछ विशेष रोगों की चिकित्सा पद्धति के बारे में वर्णन है। फिर आता है सातवां स्थान जो कि कल्प स्थान कहलाता है। इस स्थान में सामान्य एवं साधारण रोगों के इलाज के बारे में बताया गया है। मित्रों, आठवां एवं अंतिम स्थान है सिद्धि स्थान। इस स्थान में सामान्य रोगों की जानकारी के साथ साथ ही शल्य चिकित्सा पद्धति का भी उल्लेख किया गया है। मित्रों, आपको ये जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा कि चरक संहिता में मानव शरीर की 360 हड्डियों एवं नेत्रों से संबंधित 96 रोगों का भी वर्णन मिलता है। इसमें वात पित्त कफ तथा गर्भ में शिशु के विकास की प्रक्रिया का अत्यंत प्रभावी वर्णन किया गया है। चरक संहिता के ज्ञान से प्रभावित आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के आचार्य प्रोफेसर एसीलर ने महर्षि चरक के नाम से अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में सन 1898 में चरक क्लब स्थापित किया, जहां महर्षि चरक का चित्र आज भी लगा हुआ है।
मित्रों, आचार्य चरक केवल आयुर्वेद के ही ज्ञाता ही नहीं परंतु सभी शास्त्रों के भी ज्ञाता थे। उन्होंने ये भी कहा कि रोग से बचना महत्वपूर्ण है, ना कि चिकित्सा करना। तो मित्रों, ये था महान चिकित्सा विज्ञानी एवं महान आयुर्वेदाचार्य महर्षि चरक का जीवन परिचय। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो हमें कमेंट करना ना भूलें, और ऐसे ही रोचक वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।